रणवीर कपूर दी काफी समय बाद कोई मूवी आई है जिसका नाम शमशेरा है। अज दी वीडियो विच शमशेरा मूवी दा रिव्यू करांगे ते तुहानू दसांगे कि यह मूवी देखण योग है जां नहीं। सो रिव्यू स्टार्ट करन तो पहला चैनल नू सबसक्राइब कर दो। यह मूवी दी कहानी 1870 दी है जदों अंग्रेज राज करदे हुंदे सी। मूवी दी कहानी विच आजादी नू पॉइंट बना के अपने सामने पेश किया गया है। इस विच रणवीर कपूर दे दो करैक्टर ने, एक दा नाम शमशेरा ते दूजे दा नाम बली है, जो रिश्ते विच पिता ते पुत्र हुंदे ने। पर एक करैक्टर इदां दा है जो कि शरीरक पक्षों तां तकड़ा है पर दिमाग पक्षों बहुत ही ज़्यादा चलाक ते तेज है, जिसका नाम शुद्ध सिंह है। संजय दत्त ने यह करैक्टर प्ले किया है। जे मूवी विच अदाकारां दी गल करिए तां रणवीर कपूर दा रोल बहुत वधिया सी। रणवीर कपूर ने डबल रोल बहुत वधिया निभाया। असी मूवी देख के यह कह सकते हाँ कि शमशेरा ते बली दोनों अलग अलग करैक्टर ने। इस मूवी विच संजय दत्त दा काम भी बहुत वधिया सी। जे एक हीरो दे सामने विलन कमजोर होवे तां ओह मूवी देखने दा स्वाद ही नहीं आउंदा, पर इस मूवी विच विलन ते हीरो दी टक्कर नूं देख के बहुत वधिया लगदा है। इस तों इलावा मूवी विच बानी कपूर देखण नूं मिलदी है, उहनां दा काम ठीक ठाक है। बाकी जे मूवी विचले सोंग्स दी गल करिए तां ओह वी ठीक ठाक ने, पर इस मूवी दा क्लाइमैक्स वधिया सी ते ओवरऑल यह मूवी वन टाइम वाचेबल है। सो यह सी मेरा रिव्यू इस मूवी लई। जे तुसी शमशेरा मूवी देख ली है तां नीचे कमेंट सैक्शन विच दसो कि तुहानूं यह किवें दी लगी। जे मेरा रिव्यू चंगा लगा तां वीडियो नूं लाइक दे नाल नाल शेयर जरूर कर दिओ। इहो जिहियां बहुत सारियां वीडियोज़ लई अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलदा नैक्सट वीडियो विच। उदों तक लई टेक केयर एंड बाय।